हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर का पहली मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी हम कंडीशन पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है कोई मैट्रिक्स, और इसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी जो है डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। तो लिखा हुआ ए आई जे बराबर ए जे आई, दैट इज, और यहाँ एक कंडीशन लिखी ए डैश बराबर ए, जहाँ ए डैश है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक पता करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, एक ए आई जे बराबर ए जे आई और ए डैश बराबर है। तो मेनली हमारी ये कंडीशन ज़्यादातर यूज की जाती है, ए डैश बराबर ए आई। तो ये दो कंडीशन दे रखी हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, पहली ए डैश बराबर ए और दूसरी ए आई जे बराबर ए जे आई। तो ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है इससे ज़्यादातर हम क्वेश्चन लगाएंगे, ए डैश बराबर ए। सवाल में दे रखा होगा कोई मैट्रिक्स ए है तो उसे प्रूव करना होगा कि ये हमें सिद्ध कीजिए कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम पहली वाली कंडीशन यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सीखना होगा ट्रांसपोज के बारे में, क्योंकि यहाँ जो भी मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके नेक्स्ट हम जो स्क्यू मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया गया ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज के बारे में जब तक नहीं आएगा तब तक ये दोनों मैट्रिक्स हम नहीं समझ पाएंगे और इससे आगे वाली भी मैट्रिक्स हम नहीं समझ पाएंगे। तो ट्रांसपोज को समझने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टी जो है के बारे में समझना है। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की परिभाषा लिखी हुई है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। जो ट्रांसपोज निकाला जाता है मैट्रिक्स का, उसमें इंटरचेंज करते हैं रो और कॉलम को आपस में इन एग्जैक्टली सेम मैनर। तो इसको डिनोट किया जाता है ए डैश या ए की पावर टी। तो सिंबल के रूप में लिखा जाता है, कोई ए मैट्रिक्स है ए आई जे जिसके हमारे एम क्रॉस एन लिखा हुआ, एम हमारी होती है रो और एन होते हैं हमारे कॉलम। तो हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया तो एड्रेस कर दिया, तो अंदर क्या है एड्रेस आई जे। तो देखिए अभी यहाँ क्या था, एम था और यहाँ एन था, अब देखिए इसमें क्या आ गया, एन क्रॉस एम, क्या आ गया, हमने चेंज कर दिया रो को कॉलम में हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ ये ए डैश आई जे बराबर क्या हो गया हमारा ए जे आई। तो इसको हम एग्जांपल द्वारा सीखते हैं, क्योंकि हमें इसकी ही ज़रूरत है सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक हर्मिटियन कोई भी मैट्रिक्स हो कि ट्रांसपोज की ही हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने यह एग्जांपल लिया, मैट्रिक्स ए है, ये 2x3 की मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है हमारे 6। देखिए इसमें दो रो है पहली और दूसरी और तीन हमारे क्या है कॉलम है। जैसे ही हमने इसका ट्रांसपोज किया इस मैट्रिक्स का, तो देखिए ट्रांसपोज में क्या किया, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ये थी रो आर वन और ये आर टू, ये सी वन ये सी टू और ये सी थ्री। तो हमने आर वन को चेंज कर दिया सी वन में, देखिए ये आर वन थी 153 इसमें एलिमेंट थे, अभी क्या आ गए सी वन और ये सी टू। यहाँ देखिए ये आर वन ये आर टू और ये आर थ्री, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 3x2 साइज, क्यों इसमें कितने हो गए हमारे तीन हमारी रो होंगी और दो हमारे यहाँ तीन। हमने एग्जांपल लिए हैं, ये तीन तीनों ही मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। तो हम पहली मैट्रिक्स को ए माना, 2x2 साइज की है, तो इसका हम क्या लेते हैं ट्रांसपोज ले लेते हैं ए डैश बराबर, तो ये 1 2 2 3 रो को हमने क्या कर दिया कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 ये आ गया और 2 3 ये आ गया। तो देखो ये पहली वाली जैसी मैट्रिक्स बन गई जो हमारी थी ए, तो ये क्या हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा, तो ए डैश बराबर ए, तो ए हमारी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने एग्जांपल में दिया भी है कि ए क्या है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब यहाँ जो दूसरी जो प्रॉपर्टी इसकी जो है कंडीशन है ए आई जे बराबर ए जे आई, इसको भी देख लेते हैं। तो ए
आई जे बराबर ए जे आई, ये 2+2 साइज की मैट्रिक्स है। तो जो इसमें एलिमेंट होंगे जो हमारी ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए मान लीजिए हमने ए मैट्रिक्स मान लिया जनरल ए आई जे बराबर 2+2 साइज की मैट्रिक्स, तो इसके हमारे जो एलिमेंट होंगे A11, A12, A21, A22। तो हमें ये कंडीशन इस पर देखनी है। तो देखते हैं A11, A22 पे कोई भी हमें चेंज नहीं करना, क्योंकि इस पर कोई भी कंडीशन नहीं लगती, जो डायगोनल होते हैं उनमें कंडीशन नहीं लगती है सिमेट्रिक की। देखिए अब इसमें A12 बराबर A21 ये आपस में बराबर होने चाहिए, कौन से एलिमेंट A12 बराबर A21। तो जो हमारी मैट्रिक्स ये दे रखी है ए जो माना है, तो इसमें 2+2 साइज की मैट्रिक्स है, तो यहाँ एलिमेंट है 1, 2, 2, 3। तो देखो 1 और 3 हमें सिमेट्रिक में कोई लेना देना नहीं होता है, कौन से लेने देते A12 और A21 जब A2+2 साइज की मैट्रिक्स होती है। तो देखिए ये हमारे क्या है इसमें सेम है, तो इसलिए क्या होगी ये सिमेट्रिक मैट्रिक होगी, इस वाली प्रॉपर्टी से भी हम देख सकते हैं। तो हमने ये बात कर दी है कैसे हमारे सेम है और होने भी चाहिए, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है A12 बराबर A21, ये कंडीशन है दूसरी AIJ बराबर AJI, तो इसका मीनिंग ये होता 2+2 साइज में, 3+3 साइज में अलग होता है, वो मैं देखता हूँ नेक्स्ट। दूसरा एग्जांपल हमने लिया है मैट्रिक्स A बराबर 3+3 साइज की मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट है AHG HVF GFC, टोटल 9 एलिमेंट हैं। तो हम इसे चेक करते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने एग्जांपल में दिया तो ये श्योरली एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो दिखते हैं कंडीशन, तो A- बराबर A इस पर अप्लाई करते हैं फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज तो A- बराबर, तो जो पहली वाली रो है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे AHG, दूसरी वाली जो रो है उसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे HVF, जो तीसरी वाली रो है उसे हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं GFC, और ये क्या आ गई पहली वाली मैट्रिक्स आ गई जो हमारी थी। तो ये हमारी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A- बराबर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम चेक करेंगे AIJ कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमारी है AIJ बराबर AJI। तो इसमें जो 3+3 साइज की मैट्रिक्स होती है उसके एलिमेंट होते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आई जे हमारे क्या होने चाहिए भिन्न होने चाहिए आई और जे, समान नहीं होने चाहिए, समान देखिए क्या आ रहे डायगोनल, आई और जे समान आ रहे हैं कहाँ डायगोनल पे, A11, A22, A33 हमें इनसे कोई लेना देना नहीं होता, सिमेट्रिक में ये एज इट इज रखे जाते, ओनली हमें क्या होना होता इनकी वैल्यू हमें देखनी है A12 बराबर A21, A13 बराबर A31, A23 बराबर A32। इन एलिमेंट की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए तभी हमारी क्या होगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो देखते हैं ये जो मैट्रिक्स है AHG HVF GFC, तो इसका A12 एलिमेंट हमारा है H और इसका A21 एलिमेंट हमारा क्या है, तो ये देखिए ये आपस में क्या है बराबर। अब बात करते हैं A13 की,
तो ए वन थ्री में हमारा एलिमेंट है जी, और ए वन थ्री में एलिमेंट कितना है हमारा जी, और ए थ्री वन में हमारा एलिमेंट है जी, ये भी क्या आपस में बराबर है। अब बात करते हैं ए टू थ्री, ए टू थ्री में हमारा एलिमेंट इसमें है एफ, और ए थ्री टू यहाँ पर भी क्या है एफ, आपस में बराबर है। तो एलिमेंट कौन से हमारे आपस में बराबर होने चाहिए, ए वन टू बराबर ए टू वन, ए वन थ्री बराबर ए थ्री वन, और ए टू थ्री बराबर ए थ्री टू, ये आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी हमारी क्या होगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और हम अगर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं उस मैट्रिक्स, और वो हमारी क्या है पहली वाली मैट्रिक्स जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है उसके बराबर आ जाती है, तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा उसको भी देखते हैं, ये तीसरा एग्जाम्पल है, इसे भी हम दर्शाएंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज में पहली वाली रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो वन बाई सिक्स माइनस टू बाई सिक्स और ये वन बाई सिक्स, दूसरी वाली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे माइनस टू बाई सिक्स फोर बाई सिक्स माइनस टू बाई सिक्स, तीसरी वाली रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे वन बाई सिक्स माइनस टू बाई सिक्स और ये वन बाई सिक्स। तो देखिए ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी हमारी ए के बराबर आ जाएगी, तो ए डैश बराबर ए, तो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कंडीशन फुलफिल कर रही है। अब हम दूसरी वाली कंडीशन चेक करते हैं, ए आई जे बराबर ए जे आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो इसके लिए थ्री क्रॉस थ्री की है, तो मैंने बताया था ए वन टू बराबर हमारा क्या होना चाहिए ए टू वन होना चाहिए, ए वन थ्री बराबर होना चाहिए ए थ्री वन, ए टू थ्री बराबर होना चाहिए ए थ्री टू, ये एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं ये है ए वन टू, मार्क कर लेते ए वन वन इस पर, ये होगा हमारा ए वन टू, ये होगा हमारा ए वन थ्री, ये होगा हमारा ए टू वन, ये होगा ए टू टू, ये होगा हमारा ए टू थ्री। तो देखिए ये देखिए आपस में बराबर है, ये एलिमेंट की वैल्यू और ये आपस में क्या है बराबर है, ये देखिए आपस में बराबर है, ये ए वन थ्री, ये क्या है ए थ्री वन है, ये ए टू वन है, और ये देखिए ए टू थ्री है, और ये क्या है ए थ्री टू। डायगोनल का इम्पोर्टेंस नहीं होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ओनली जो इसके अदर साइड जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल्स के ऊपर डायगोनल्स के नीचे, तो उन्हें हमें देखना होता है। तो देखिए ये आपस में क्या है बराबर है, तो ये हमारी क्या होगी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो क्वेश्चन वन है, इफ़ ए टू क्रॉस टू साइज की मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है चार एक्स प्लस टू टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इज सिमेट्रिक देन एक्स, कह रहा है कि ए जो हमारी क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन, तो ए इज सिमेट्रिक तो इसके लिए कंडीशन होती है ए डैश बराबर ए, तो हमें क्या करना है इसका ट्रांसपोज करना है, तो ए बराबर ये मैट्रिक्स है चार एक्स प्लस दो टू एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन, तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं ये आ जाएगा फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री, नीचे लिख लेते हैं। तो हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहाँ लिख लिया है, तो ये आया। तो देखिए ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स जो हमारी ए है ये आपस में कैसी है बराबर है, क्योंकि तभी हम क्या निकाल पाएंगे एक्स की वैल्यू, ये फोर ये एक्स प्लस टू
ये टू एक्स माइनस थ्री और ये एक्स प्लस वन। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे इस वाली मैट्रिक्स में डायगोनल दोनों में सेम है। अगर हम ये वैल्यू इसके बराबर कर देते हैं या ये वैल्यू हम इसके बराबर करते हैं, क्योंकि ये इक्वलिटी मैट्रिक्स है, आपस में बराबर जब ही होंगे जब उनके एलिमेंट क्या होंगे, आपस में बराबर होने चाहिए। तो टू एक्स माइनस थ्री बराबर ये एक्स प्लस टू, या इनके इनके एक्स प्लस टू बराबर ये टू एक्स माइनस थ्री, दोनों इक्वेशन से सेम वैल्यू निकल के आएगी। तो ये आ जाएगा टू एक्स माइनस एक्स बराबर टू प्लस थ्री, तो एक्स बराबर इससे आ गया पाँच। इससे भी देखते हैं तो ये टू प्लस थ्री बराबर टू एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी आ गया एक्स बराबर पाँच। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी, पाँच होगी, तभी क्या कहलाएगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इसका दूसरा मेथड भी, क्योंकि इसकी हमने क्या पहली प्रॉपर्टी यूज़ की, अगर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है कंडीशन है अगर हम उसको यूज करते हैं तो बहुत इजीली से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं, तो हमने ए मैट्रिक्स लिख ली पुनः, तो अगर ए सिमेट्रिक है तो उसके लिए हमारी ये भी क्या कंडीशन होती है, ए आई जे बराबर ए जे आई, तो ए टू क्रस टू साइज की मैट्रिक्स, तो हमारे इसमें जो एलिमेंट ए वन टू बराबर ए टू वन आपस में बराबर होने चाहिए। ये कर देते हैं, तो ए वन टू हमारा एक्स प्लस टू और ए टू वन हमारा टू एक्स माइनस थ्री, तो तीन इधर ले जाते हैं और x इधर ले जाते हैं, तो टू प्लस थ्री बराबर टू एक्स माइनस एक्स, तो x बराबर फाइव। तो देखिए इस इसका हमने जो है इस कंडीशन का यूज़ किया तो हमारा आंसर तुरंत आ गया। अगर हम वो वाली कंडीशन यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा प्रोसेस लेंदी होता है। तो जब भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यही वाली कंडीशन यूज करेंगे, सिमेट्री ए आई जे बराबर ए जे आई, उन एलिमेंटों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश बराबर माइनस ए, दस द मैट्रिक्स ए ए आई जे एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक इफ फॉर आल आई एंड जे वी हैव ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। तो यहाँ लिखा हुआ आई जे थ एलिमेंट ऑफ ए माइनस जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए, कहने का मतलब है जो हमारा ए आई जे का एलिमेंट है और नेगेटिव साइन जे आई के एलिमेंट के आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे अगर हमारी टू क्रॉस टू साइज की मैट्रिक्स है तो ए बराबर ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, तो यहाँ ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, तो ए वन टू बराबर माइनस ए टू वन, ये आपस में बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अगर थ्री क्रॉस थ्री के लिए है तो इसमें जो हमारे एलिमेंट होते हैं ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, तो इसमें आएगा हमारा ए वन थ्री बराबर माइनस ए थ्री वन, ए टू थ्री बराबर आ जाएगा ए माइनस का ए थ्री टू, और ए वन टू बराबर आ जाएगा माइनस ए टू वन, तो ये आपस में बराबर होने चाहिए विद नेगेटिव साइन। इसकी एक और कंडीशन होती है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे क्या, जीरो। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, तो पुनः हम ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई कंडीशन लेते हैं फॉर आल आई कॉमा जे। इफ यदि आई बराबर हम जे लेते हैं केस, तो देखिए यह क्या जे है, जे की जगह हमने आई रख दिया, ए आई आई बराबर माइनस ए आई आई फॉर आल वैल्यूज ऑफ आई, तो इसको इधर ले आते हैं ये टू ए आई बराबर जीरो जाएगा, ए आई आई बराबर जीरो फॉर आल वैल्यूज ऑफ आई, आई बराबर क्या लेते हैं वन टू, तो यहाँ वन लेंगे तो यहाँ वन वन हो जाएगा,
तो ये भी हमारा क्या जो जीरो हो जाएगा, यहाँ की वैल्यू टू लेते हैं तो ये टू टू हो जाएगा, तो हमारी क्या हो जाएगी जीरो, ए थ्री थ्री हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ए एन बराबर जीरो। तो कहने का मतलब जो हमारे डायगोनल होंगे ए मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स से जो डायगोनल होंगे एसक्यू मैट्रिक्स में, वो क्या हो जाएंगे हमारे सभी जीरो हो जाएंगे, ए वन वन, ए टू टू और ए थ्री थ्री बराबर क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो यहाँ हमने ब्लॉक में मार्क कर दिया है, लिख दिया है ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। अब हम इसके एग्जांपल लिखेंगे। तो पहला एग्जांपल लिखा हमने ए मैट्रिक्स इज एसक्यू सिमेट्रिक, ये 3x3 की साइज के मैट्रिक्स है, तो हमें इसे दिखाना है कि एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके लिए कंडीशन होती है फॉर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए डैश बराबर माइनस ए और ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ये दो कंडीशन होती है। तो हम पहले वाली यूज करेंगे, तो ए बराबर हमने पुनः लिख लिया इसको 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0, और इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में पहले वाली रो को हम कॉलम में लिख देंगे 0 2 -3, दूसरी वाली रो को हम पुनः कॉलम में लिख देंगे -2 0 और ये 5, तीसरी वाली रो को हम पुनः कॉलम में लिख देंगे -5 और 0। अब हमें प्रूफ करना ए डैश बराबर माइनस ए। अभी देखिए ए हमारे क्या है 0 2 -3, यहाँ क्या आ रहा है -3 आ रहा है, जबकि हमें यहाँ क्या चाहिए पॉजिटिव और यहाँ क्या चाहिए हमें निगेटिव। तो हम निगेटिव साइन क्या ले लेते हैं पूरी मैट्रिक्स से कॉमन ले लेते हैं, तो ए डैश बराबर माइनस का, जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो 0, तो ये क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव 2, ये हो जाएगा हमारा निगेटिव 3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो देखिए अब हमारी ये मैट्रिक्स बन गई ए, तो ए डैश बराबर माइनस का ए आ गया, तो ए इज एसक्यू सिमेट्रिक। तो पहली वाली कंडीशन से ये हो गया कि ये हमारी क्या है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम दूसरी वाली कंडीशन क्या यूज करते हैं ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई। और एक चीज़ और हमने बताई थी, जब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं जीरो, ये हमेशा याद रखना है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमें ये देखना होगा ए वन टू बराबर माइनस ए टू वन आपस में बराबर होने, ए वन थ्री बराबर माइनस ए थ्री वन, ए टू थ्री बराबर माइनस ए थ्री टू। देखिए तो इसमें ए वन टू हमारा 2 है और ए टू वन हमारा माइनस का 2 है, तो पहले वाले में रख देते हैं 2 बराबर माइनस का 2 बराबर 2। तो देखिए यहाँ ए वन टू बराबर 2, ए टू वन बराबर कितना है माइनस का 2, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस कंडीशन रख दे या देखिए यहाँ ए टू वन बराबर कितना है -2 और ए वन टू बराबर कितना है 2, तो इस तरीके से ए टू वन बराबर -1 2। इसी प्रकार ए वन थ्री है -3, ए थ्री वन कितना है 3, तो इसको इस तरीके से ए वन थ्री बराबर -3 ए वन, ए टू थ्री है 5, ए थ्री टू है -5, तो इसको इस तरीके से ए थ्री टू बराबर -a 2 3, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो ये क्या होगा एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और उसके लिए डायगोनल क्या होने चाहिए हमारे जीरो होने चाहिए। अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।